नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सी बास मछली के बारे में। ये एक ऐसी मछली है जिसे आप मीठे पानी में भी पाल सकते हैं और खारे पानी में भी आप इसे पाल सकते हैं। तो इस मछली को पालने का तरीका क्या है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि अगर आपके बाजारों में सी बास की मांग हो तो ही इसे पालना, वरना ना पालना। क्योंकि जो भी हम मछली का फार्म खोलते हैं, सभी मछलियां आपको अच्छा फायदा देती हैं, लेकिन शर्त ये होती है कि जिस भी मछली को आप पालें वो आपके एरिया में बिकनी चाहिए। अगर वो बिकती है तो आप उसे पालिए। सी बास मछली जो है ये एक प्रकार की मांसाहारी मछली है और इसका अच्छी ग्रोथ भी होती है और अच्छा प्रॉफिट भी इसकी जो फार्मिंग अगर हम करते हैं तो उसमें मिलती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे कैसे पाला जाता है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों कि फ्रेश वाटर और सलाइन वाटर दोनों में इसे पाला जा सकता है। याद रहे कि जो तालाब आप इसके लिए बनाएंगे वो लगभग 2 मीटर गहरा होना चाहिए। बेसिकली ये सी बास मछली जो है ये समुंदर की मछली है और ये गहराई में ज़्यादा रहती है, लेकिन इसे तालाब में भी पाला जा सकता है। तो 2 मीटर गहरा तालाब आपको इसके लिए बनाना है। उसी के साथ साथ जो उसके अंदर पानी डालेंगे उसकी साल्टिनिटी जो है वो 5 से लेके 10 PPT के बीच में होनी चाहिए। इसी के साथ में जब आप तालाब तैयार कर लें तो उसके अंदर 50 किलो से लेके 200 किलो प्रति हेक्टेयर का चूना जो है उसके अंदर डालें। 1 हेक्टेयर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 50 से 200 किलो चूना उसके अंदर आप डाल दीजिए तालाब के अंदर। उसी के साथ साथ आप उसके अंदर 50 किलो सुपर फॉस्फेट डाल दीजिए। आप उसके अंदर 1000 किलो गोबर जो होता है गाय का वो डाल दीजिए, 100 किलो यूरिया डाल दीजिए। और ये जो मैं बता रहा हूँ जैसे 50 से 200, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इस पूरे पानी का, तालाब के पानी का जो pH है वो लगभग 7 से 8 के बीच में सेट करना है। उसके हिसाब से उसे आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये डालने के बाद आप तालाब के अंदर 2 फीट पानी डाल दीजिए और उसके बाद में तालाब के अंदर हल्की हल्की हरवाई बन जाएगी। और उसी के साथ वो हरवाई बनाने का एक तरीका और होता है जो मैंने ऐसे थंबनेल वाली वीडियो है उसके अंदर बताया था, इस वीडियो के एंड में भी दे दूंगा, जो हमारे झींगा फार्म में हमने करके देखा था। तो वो भी आप उस तरीके से भी उसके अंदर प्लैंकटन जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इसके अंदर मछलियां डालनी है तालाब के अंदर। 5 ग्राम से 10 ग्राम की मछली हो तभी उसके अंदर डालें, 5 से 10 ग्राम के बीच में। लेकिन याद रहे सभी मछलियां एक जैसी हो, साइज में बड़ी छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मांसाहारी मछली है। अगर एक मछली ज़्यादा बड़ी हुई एक छोटी हुई तो वो बड़ी वाली छोटी वाली को खा जाएगी। इसलिए याद रहे कि आपको ग्रेडिंग करके डालना है, सब एक जैसी मछलियां होनी चाहिए, यानी मछली के बच्चे सब एक जैसे होने चाहिए। एक तालाब के अंदर आप अपनी इच्छा के हिसाब से 3000 से 5000 मछली के बच्चे डाल सकते हैं। इसके बाद में जब आपको उन्हें खाना देना है तो खाने का शुरुआती दौर जो है पहले 4-5 महीने, 3-4 महीने उसके अंदर आपको उसे जितना मछली का वजन है उसका 10% उसे खाने में देना है। और खाने में देना क्या है, मछली बाजार का कचरा या फिर मछलियां लेकर उन्हें अच्छे से बारीक काट कर और वो डालनी है, या मछली बाजार का कचरा उसे अच्छे से ग्राइंड करके फिर वो डालना है। तो आपको मछलियों को भोजन के रूप में, क्योंकि वो मांसाहारी है मैं पहले बता चुका हूं, तो आपको मछलियां ही उसे खाने के लिए देनी है। अब आप कहेंगे कि भाई रोजाना इतनी मछली कैसे खिलाएंगे, तो आप शुरुआती दौर में वैसे खिलाइए और 2 महीने तक का एक अलग स्टॉक तैयार कर सकते हैं आप, या इसके साथ में पाल सकते हैं तलापिया मछली जो है उसका। तलापिया जो है वो बहुत जल्दी बच्चे देना शुरू कर देती है। तो उसके बाद में क्या होगा, इसी साइज की जब तलापिया इसके अंदर तालाब के अंदर छोड़ेंगे तो वो बच्चे देगी और वो बच्चे छोटे साइज के होंगे तो उन्हें जो सी बास मछली है वो खाकर अपना जो है फीड भी लेती रहेगी। यानी कि तलापिया को हम उसके साथ इसीलिए पालेंगे ताकि उसको भोजन के रूप में वो तलापिया मछली अपने बच्चे दे सके। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या साथ में मिक्स करके पालें, फिर एक जैसा साइज कैसे करेंगे तलापिया का। तो आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, इस तालाब के बिल्कुल पास में एक छोटा तालाब बनाकर वहाँ पर तलापिया मछली पालें, जो इस मछली का पालन करते हैं उससे आप 2 महीने पहले कर लें। और उसके बाद में हर 2 दिन बाद इसका जो पानी है, तलापिया वाले तालाब का पानी सी बास वाले तालाब में डालें, मछलियों को रहने दें, केवल पानी डालें। तो उसके साथ में
जो छोटे बच्चे होंगे मछलियों के वो भी पानी के साथ फ्लो में उसमें चले जाएंगे और वहां पर सीबास मछली उसे खाकर अपना भोजन बना लेगी। इसी के साथ उसे हाई प्रोटीन का जो फीड होता है वो भी देना होगा। मछली कोई भी हो, चाहे झींगा हो, चाहे तलापिया हो, चाहे मिल्क फिश हो, चाहे सीबास हो, कोई मछली हो, उसको भोजन के रूप में मछली का जितना वेट है उसका 10% जो है वो आपको देना है। अगर मान लीजिए 1 किलो की मछली है तो आपको उसे 100 ग्राम भोजन देना होगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो में मैंने लगभग आपको सीबास के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी भी एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आप सीबास मछली को पालने का सोच रहे हैं तो एक बार आसपास किसी भी फार्म का विजिट जरूर कीजिए, ताकि आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ सके। और इसी के साथ हमारी जितनी झींगा के बारे में और जो भी वीडियो बनाई हुई हैं वो सब देखिए, क्योंकि ये हमारे फार्म की वीडियो है। यहाँ पर आपको रियल नॉलेज मिलेगी कि मछली को पालते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो देखते रहिए ABC इंडिया।